बांझपन एक श्राप है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी मैं ये कहूँगी कि बांझपन जो है औरत के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आदमियों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये हम लोगों को सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम एक साल साथ साथ रहते हैं, कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे हैं और फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो एक साल के बाद इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। क्यों? हम लोग सोचते हैं कि अगर आप एक साथ रहते हैं तो 85% लोगों को साल के आखिर में बच्चा हो जाना चाहिए। अगर एक साल में आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा गैप हो जाएगा आपका मैरिज होने के बाद, देखा गया 5 साल के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप एक साल के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराइए और अपना काम कराइए। अब क्या कारण है मुख्य? औरतों में जो मुख्य कारण देखा गया है कि उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं 35% लोगों में, और 35% लोग ऐसे हैं जिनका अंडा ही नहीं बनता, एनोवुलेशन होती है उनको। सो 70% तो ये हो गए, और 20% केसेस में एक प्रॉब्लम होती है एंडोमेट्रियोसिस की। हाँ, एंडोमेट्रियोसिस से इनफर्टिलिटी 50% में देखी गई है। तो एंडोमेट्रियोसिस इज डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस, बट एक बात क्लियर है कि इस केसेस के अंदर आपको पीरियड्स के टाइम बहुत पेन होता है, जब आप संभोग करते हो तो भी बहुत पेन होता है। ऐसे केस में आप ऑटोमेटिकली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे और वो आपको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बताएंगे कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है। एंड 10% केसेस में आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल होंगी, फिर भी आप देखेंगे कि आपको बच्चा नहीं होता। आदमियों में 50% प्रॉब्लम्स आदमियों द्वारा है। पहले आदमी लोग कहते थे कि नहीं, सब प्रॉब्लम औरतों की है, पर अब ये पता चल गया कि 50-55% इनफर्टिलिटी के केसेस मेल इनफर्टिलिटी के कारण होते हैं। इसमें 50% जो केसेस हैं इसमें स्पर्म्स ठीक से बनते नहीं हैं, और इन 30% के करीब स्पर्म्स तो बनते हैं पर ब्लॉक होता है तो बाहर नहीं आ पाते, और 15% केस में कि उनके जो स्पर्म्स हैं बनते तो ज़रूर हैं पर वो ठीक से दौड़ नहीं पाते, और 5% के केसेस में इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ उनको सेल्फ एस्टीम उनका कम है तो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ, कुछ भी है, आज की तारीख में बोथ मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास टेक्निक्स हैं IUI, IVF और ICSI। ना IUI उन चीज़ केसेस में ज़रूरत होता है जबकि आप यंग हो, 35 साल से कम उम्र आपकी हो और आपकी ट्यूब्स बिल्कुल ठीक हो, उस केसेस के अंदर हम IUI कहते हैं कि आपके हस्बैंड की स्पर्म्स की प्रोसेसिंग करते हैं, और जस्ट जब अंडे बनने का टाइम होता है उसमें फॉलिकल मॉनिटरिंग से आपको पता चलता है कि कब आपका अंडा मैच्योर होगा, उस टाइम आपके हस्बैंड का सीमन लेके उसको प्रोसेस करके आपके यूट्राइन कैविटी में डाल दिया जाता है। इसमें चांसेस आपके सक्सेस के बढ़ जाते हैं। सक्सेस खाली 10-12% होती है, सक्सेस 100% नहीं होती। तो आप एक बार IUI कराओ तो आपको लगता है कि आपके 100% सक्सेस हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप 3 IUI कराते हो और डॉक्टर साहब आपके अच्छे डॉक्टर हैं तो 3 IUI इक्वल टू 1 IVF है। तो आपको रश नहीं करना IVF के लिए ना। IVF में भी, इन IUI में भी देखा गया है कि आपको 3-4 जो IUI की साइकिल्स हैं, अगर इन 3-4 साइकिल्स में आपको फ़ायदा होगा तो होगा, नहीं तो आपको IVF की तरफ बढ़ना पड़ेगा ना। IVF एक टेक्निक है, एक IVF होता है और ICSI होता है। ICSI जब भी मेल इनफर्टिलिटी होती है जबकि आपके स्पर्म्स नहीं होते, उस केस के अंदर आपके स्पर्म्स को टेस्टिस से या एपिडिडिमिस से आपके हस्बैंड के इनसे यहाँ निकाला जाता है स्पर्म्स को, और 5-6-10 स्पर्म्स आपको ज़रूरत होते हैं अच्छी क्वालिटी के कि जो मोटाइल हों। उसमें जब औरत का अंडा बनाते हैं और अंडे को हम निकालते हैं, उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन लैब में किया जाता है, और उसमें देखा गया फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, और मेल इनफर्टिलिटी में गुड 95% आदमी अपना खुद का बच्चा हो सकता है। IVF के अंदर एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, इसमें टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें सिंपल सा प्रोटोकॉल होता है आपके अंडे बनाने का, जिसमें कि एक अंडे के बदले 10 अंडे बनाए जाते हैं, और उनको एनेस्थीसिया के में आप उन अंडों को निकाला जाता है, छोटा सा प्रोसीजर
तीन चार मिनट का प्रोसीजर होता है, और उसके बाद इन अंडों को लैब के अंदर इनको स्पर्म्स को वॉश करके फर्टिलाइज़ किया जाता है लैब पे, और जब ये बच्चे जो है 2, 3 या 5 दिन के हो जाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी बढ़िया तरह से ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको अंदर डाला जाता है। नॉर्मली हिंदुस्तान के अंदर में 3 अंडों से ज़्यादा हम लोग डाल नहीं सकते हैं, और बाहर के देशों में इसका रेस्ट्रिक्शन 2 अंडे के ऊपर है। सो इसका सक्सेस रेट वही 30 से 50% है। ये सोचना कि IVF करा लिया, इतने सारे पैसे लग गए, उसमें भी सक्सेस रेट जो है वो आपका 30 से 50% नहीं है। 30% अगर आपके खुद के अंडे हैं, और 50% अगर अंडे आपको डोनर IVF साइकिल्स है उसके, इसके अंदर 50-55% सक्सेस रेट हो सकता है। तो आप बड़े शहरों में बहुत IVF सेंटर हैं, और अच्छा नाम वाले जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको जाना चाहिए, और अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करा कर फिर आप अपना माइंड, ओपन माइंड से अपना डिसाइड करिए क्या है। और अब आपको बैठे रहने की ज़रूरत नहीं, और बड़े परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सेल्फ साइकिल्स में जो है इसकी जो कॉस्ट है वो 150 से लेकर 175 तक है, और आपकी डोनर साइकिल में 2 से 3 लाख रुपये तक की है। और कई बार देखा गया कि यूट्रस आपका निकल गया, आपके पास ओवरीज हैं, और आप चाहते हो तो सरोगेसी भी किया जा सकता है, और सरोगेसी में भी आज की तारीख में कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। 10-12 लाख में ये कार्य आराम से बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो आप अपना माइंड ओपन रखिए, और आपको कहीं पर भी किसी तरफ भी आप देखेंगे तो आप अच्छे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको एडवाइस अच्छी मिल जाएगी, आपका काम अच्छा होगा, और आपको मायूसी इस तरह की नहीं होनी पड़ेगी। तो ओपन माइंड से आप आइए आगे, और आपके लिए सभी लोग तैयार हैं।